السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. स्टेज पे बैठे हुए तमाम हज़रात को मैं आदाब नमस्कार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुरेश साहब को फिर इन्हें इस बड़ी सेंसिटिव डिबेट में पार्टिसिपेशन दी। बड़ा हसास मसला है, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड और अमन से रिलेटेड ये मसला है। ये सिर्फ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के मतलब नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया की इंसानियत से रिलेटेड है। इसको बहुत खास करके नौजवानों को जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैल रही है उसके पीछे वायरस क्या है। जब तक आप वायरस नहीं समझेंगे तो सिर्फ किसी के ऊपर टारगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा यहाँ के बड़े लोगों से कि मैं उस चीज़ को जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ आपके सामने रख सकूँ और आप लोग उसको समझ सकूँ। प्लाइट ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान का टॉपिक रखा गया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एज आवर प्रीवियस स्पीकर्स ऑलरेडी हैव टोल्ड, उन्होंने पहले ही इस बात को कहा है और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रोफेसर वर्मा साहब ने इस बात को कहा है कि इस्लाम में और कुरान के अंदर कहीं भी हेट की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स नहीं। इस्लाम अमन, इंसाफ और लोगों के साथ मोहब्बत का पैगाम देता है। इट इज बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी फर्क जो है वो नहीं पा सकता। कहीं पे कोई चीज आप ऐसी नहीं निकाल सकते जिसमें लोगों को इंसान को इंसान से बांटने की बात की जा रही हो। हर जगह पे इस बात का पैगाम है कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। और उसकी बहुत साफ सी एक मिसाल लेके मैं आगे बढ़ूंगा, फिर अपने टॉपिक पे आऊंगा। कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्रॉफिट से ये पूछा गया कि मुसलमान कौन है, मुसलमान कौन है, तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब जो है उसका आपने दिया कि जिस शख्स के जबान से, जिस शख्स की जबान से और हाथ से पूरी इंसानियत महफूज रहे, पूरी इंसानियत महफूज रहे और उसको उसकी किसी किस्म का खतरा ना हो, वो शख्स मुसलमान है। उसमें किसी धर्म का, किसी शख्स का, किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं था, किसी कास्ट, क्रीड और बाउंड्रीज को नहीं बांधा गया था। उसमें पूरी इंसानियत को बांधा गया था कि अगर किसी शख्स को किसी चीज से खतरा होता है, अगर इंसान उसके लिए खतरा बन जाता है तो वो इस्लाम का ट्रू फॉलोअर नहीं हो सकता। ये पहला सबक है जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए है कि उसके हाथों से बदअमनी का पैगाम किसी भी हालत में ना जाए। दूसरी चीज जो आज के हालात नजर आ रहे हैं, जो दुनिया के अंदर दिखाए जा रहे हैं कि इस्लाम बड़ा बर्बरियत का मजहब है, इसके करीब जाइएगा तो खून और कत्ल के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में जो लोग वाबस्ता हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठना हुआ है जिन्होंने इस्लाम को करीब से पढ़ने की कोशिश की है, तो इस्लाम हिंदुस्तान में जो आया है वो किरदार से आया है, तलवार से नहीं आया। यहां पर गरीब नवाज ने इंसानियत की खिदमत करके ये साबित किया है कि इंसान के पेट तक पहुंचो, उसकी भूख मिटाओ, यही इस्लाम है। अगर वो गरीब है, उसको खाने के नहीं है तो उसको खाना दो, यही सही धर्म है। ये तरीके रहे कि लोगों की खिदमत खल करना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना और उसके दुख और सुख में बराबर तरीके से शरीक होना और उसके हर मामला के अंदर जो है वो हम बराबर के हिस्सेदार बने, ये बेसिकली प्रीचिंग रही सूफिज्म के दरगाहों से और आस्थानों से। इस कल्चर को धीमे धीमे पिछले 700-800 साल में जो स्टैब्लिश किया था, जिसमें लोगों में प्रेम और मोहब्बत थी, दरगाहों खानकाहों में आने वाले लोगों से कभी उनका धर्म नहीं पूछा जाता था, यह कॉन्सेप्ट था जिसको कि आज काफी हद तक डिवाइड करने की कोशिश की गई है। वहां पे लोगों से तकलीफ पूछी जाती थी कि तुमको तकलीफ क्या है, और जो बुजुर्ग बैठते थे जिनका ताल्लुक रब से जुड़ जाता था उनकी इबादत से, वो उनकी जो भी दुआ से, दवा से, हाथ रख के और सरपरस्ती से जो कर सकते थे वो उनके साथ करते थे, जिससे उसको दिली तस्कीन होती थी, उसका जो उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल होता था और वो वहां से जाता था। ये एक कनेक्शन था जिसकी वजह से लोग बहुत तेजी से इस्लाम की तरफ जुड़े। और हिंदुस्तान के अंदर जो भी पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम आपको नजर आ रहा है, ये किसी तालिबान की देन नहीं है, ये उसी सूफीज्म और गरीब नवाज की देन है जो आज हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे। इसकी तस्वीर को बदला जा रहा है। इस हिंदुस्तान में जिस वक्त रिवॉल्यूशन आया 1857 के करीब, और जब बदर की लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले अरब के अंदर एक प्रैक्टिकल ब्रिटिशर्स कर चुके थे।
थे, और इस चीज से जब तक आप लोग आशा नहीं होंगे, इस मर्ज को नहीं जान पाएंगे। एक प्रैक्टिकल कर चुके थे कि ब्रिटिशर्स ने अरब को तोड़ के सऊदी अरब बनाया, अरब को तोड़ के सऊदी अरब बनाया, और जो सबसे पहला नुकसान इस्लाम को हुआ वो सऊदी अरब बनने के बाद जितने मुकद्दस मुकामात, जितने 22 सेंटर्स थे वो सब तोड़े गए। यानी कि जो प्रॉफिट के कंपेनियंस के, जो प्रॉफिट के क्या नाम है फैमिली मेंबर्स के, जितने भी मकबरे थे मजूरियम से, वो सब के सब तोड़े गए। ये आतंकवाद सबसे पहले सऊदी अरब से शुरू हुआ, और वो उसके प्रीसिंक्स उसके दायरे तक महदूद रहा। जब वो प्रैक्टिकल कामयाब हो गया और उनके पास पेट्रोडॉलर्स आ गए और इनफ पैसा आ गया, और जिस वक्त अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई उनको उस जमीन के ऊपर काम करने के लिए फोर्सेस चाहिए थी, तो सऊदी अरब और अमरीका या वेस्टर्न ममालिक या मगरबी ममालिक के इशारे के ऊपर एक कम्युनिकेशन बना, जिसने उस आइडियोलॉजी को, जिसने ऑलरेडी आतंकवाद का सहारा ले रखा था, उसने जियाउल हक के दौर के अंदर शेख हैंड करके पाकिस्तान के अंदर उसका दाखला शुरू हुआ। ये वो दिन था 1970 से, जिस दिन से पाकिस्तान के अंदर इंटॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस इंटॉलरेंस की तरफ जो अभी हम चलना शुरू हो गए। ये वो चीज थी जिसने बर्दाश्त करने की इंसान के अंदर मोहब्बत से और हेट की प्रीचिंग शुरू कर दी, मोहब्बत से दूर होना शुरू हुए। ये वही चीज है जिसका रूप आज ये नजर आ रहा है कि हमको इस टॉपिक के ऊपर बहस करने की जरूरत पड़ रही है। जरूरत है पूरे माशरे को एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको वहाबिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसको सल्फिज्म के नाम से जाना जाता है। मैं बड़े साफ तौर से कहूं कि दिस इज नॉट इस्लाम, दिस इज अ मूवमेंट टू गेन द पावर इन एंटायर वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन है, एक कैंपेन है, एक आंदोलन है, जिसका मकसद इख्तदार हासिल करना है, ताकत हासिल करना है, हर मुल्क के अंदर अपनी पावर शेयरिंग करना। एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन इन अफगानिस्तान, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इन पाकिस्तान। दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द नेशन। वो मुल्क में फसाद पैदा करके लोगों को लड़ा के वो मुल्क के अंदर एक किस्म का हेट और एक किस्म का अजब सा, जिसे कहते हैं कि वो नफरत भाव पैदा कर रहे हैं, लोगों को मारो कत्ल कर रहे हैं, जब हुकूमतें उससे शेकन हो रही हैं, एक इंसानियत जो है वो रो रही है, सिसक रही है, तो उस वक्त ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ कि दे आर इनवाइटिंग तालिबान टू शेयर द पॉलिटिकल डायस। उसी तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है कि वो ऐसे फोर्सेस को अब बुला रहे हैं कि नाउ ओके यू कम एंड ज्वाइन द पावर। उनका मकसद यह है कि इजिप्ट के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 1800 से पहले से लेकर मुस्लिम ब्रदरहुड बैठ था, उसने जो है वो इलेक्शन के अंदर आके उनको बुलाया जा रहा है कि ठीक है भाई, एक किस्म का पूरी तब्दीली समाज के अंदर आ रही है, और उसके लिए बेहिसाब पैसा मगरबी ममालिक और सऊदी अरब एक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए वो पूरी दुनिया के अंदर खर्चा कर रही है, जिसका इन्वेस्टिगेशन जो लोग बताते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं, वो ये बताते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये लाखों करोड़ रुपए का, और किसी भी मजहब ने किसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो जूश हो, इतना पैसा नहीं खर्चा किया जितना बाबूजी ने पूरी दुनिया में खर्चा किया। उन्होंने प्लांट की है पूरी दुनिया के अंदर मदद से, उन्होंने प्लांट की उस आइडियोलॉजी को जो नफरत फैलाती है। मैं अपने तारुफ से बता दूं कि सूफिज्म दरगाहों पर जाने और उनको जो है वो अपने ट्रिब्यूट पेश करने और उनसे मांगने का नाम है। हमारे यहाँ ये अकीदा है, ये फेथ है, ये बिलीफ है कि जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी इबादत करके दुनिया को रब से नाता जो दिया उनका, वो मरने के बाद, पर्दा करने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, वो जमीन के अंदर उसी तरह जिंदा रहते हैं। तो हम उनसे दुआ लेने के लिए उनके वसीले से, क्योंकि उन्होंने गॉड को सर्विस करके गॉड को खुश किया है, तो अगर हमारी जबान गुनाह से नापाक हो चुकी है, हम अल्लाह से सीधे रब्ता नहीं कर सकते, तो हम उनसे सिफारिश करते हैं कि आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए, तो शायद हमारे जो भी मामला है वो बन जाए। तो हम इस अकीदे और बिलीफ के साथ जो है वो उसके क्या जानते हैं, लेकिन उन्हीं ने अपनी किताब में बड़े साफ तरीके से कोट किया है कि खड़ी मूर्ति और लेटी मूर्ति, इन दोनों की पूजा शिर्क है, और ऐसे लोगों को कत्ल करना, ऐसे लोगों को कत्ल करना, उनकी जानो मार को लूटना, उनके साथ किसी भी किसी का व्यवहार करना जो है वो उनके क्या पाई से सवाब और जिहाद है। तो सवाल यह है कि जहां इस किस्म की प्रीचिंग से डॉक्ट्रिन की जा रही हो, जिसमें इंसानियत को कत्ल करने की बात की जाती हो, जिसमें इंसानियत को एक दूसरे से जुदा करने की बात की जाती हो, सबसे पहले उसको स्टॉप करने की जरूरत है। आई थिंक जो सबसे बड़ी नीड है, एनी आइडियोलॉजी विच पोजेस अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटी मस्ट बी स्टॉप, एंड दैट कंटेंस मस्ट बी रिमूव्ड, एंड दैट इनिशिएटिव मस्ट बी
जो इसका इनिशिएटिव जो है वो आज की नस्ल को लेना पड़ेगा। पीस इज द प्री कंडीशन फॉर एनी डेवलपमेंट। और अगर पीस इसको, और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के पूरे के एक्सक्लूसिव पोजीशन पर बैठा हुआ मेरा रिसर्च है पूरे हिंदुस्तान के कोने का, कि अगर हिंदुस्तान के लोगों, नौजवानों ने, खास करके मुसलमान हिंदुओं ने जो यहाँ की दूसरी कौमें हमसे मौजूदा है, अगर उन्होंने मिलकर इस जंग को नहीं लड़ा तो हिंदुस्तान का अमन जिस तरीके से दूसरे मुल्क में हम इशारा रख रहे हैं, हिंदुस्तान का अमन भी खतरे में। मुझे जरूरत है बहसियत हिंदुस्तानी कि अपने मुल्क की हिफाजत करूं, बहसियत अच्छे मुसलमान की कि हम अच्छे मुसलमान हों और अच्छा किरदार पेश करें, और इस मुल्क पे ऐसी कोई भी अगर निगाह जो इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश करती हो, इसकी इस यहाँ बदमनी फैलाने की कोशिश करती हो, इंसान को इंसान से बांटने की कोशिश करती हो, जो सूफिज्म के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, हम उसको हर हालत में इस बात को महसूस करता हूँ कि वो सारे लोग इस मिशन के अंदर शाना बशाना खड़े होंगे। I have started this literacy campaign since 1998 और आज मैं इस स्टेज तक पहुंचा हूं कि कम से कम मेरी ये बात लोगों तक पहुंच रही है और उनको समझने की जरूरत है। They are utilizing, मैं बड़े उससे कम, they are utilizing the entire government machinery to propagate this Wahhabism over here in India. The entire minority portfolio that captured through petrodollars, the Waqf Board, the prime institution which is basically recruiting the imams onto the mosque, that has been captured by them. वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जमीदुल उलमाइन और तमाम तंजीमें, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनको नहीं जाने देते। पूरी दुनिया में वहाबिज्म का टारगेट है कि किसी भी हालत में माइनॉरिटी पोर्टफोलियो या मुस्लिम अफेयर्स अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, आइदर हुक और क्रुक। हमें जरूरत है कि ऐसे लोग जो अमन पसंद हो, जो लोगों में मोहब्बत, जो धार्मिक स्थलों का प्रयोग किसी कट्टरपंथी विचारधारा को प्रोपगेट करने में न करें, जो अमन के साथ और लोगों में मोहब्बत का पैगाम दे, ऐसे लोगों को जो है वो ऐसी संस्थानों में रिक्रूट किया जाए। रिस्ट्रिक्ट ऑल दोस पीपल्स हु आर ट्राइंग टू प्रोपगेट हार्ड लाइन आइडियोलॉजी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम दिस रिलीजियस सेंटर। सो दैट इज द प्राइम थिंग विच इज टू बी डन। और यही आइडियोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इधर की है, जिसने आप लोगों का कहना है कि हिंदुज्म सबसे ज्यादा अगर सफर कर वो तो सुन्नी सूफी मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर। एवरी डे देयर इज अ ब्लास्टिंग दरगाह, एवरी डे देयर इज अ थ्रेट फॉर शिया, वो बस से निकाले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जैसा कि क्या नाम है आपने बताया अभी कि वो साहब 18 शिया मार दिए गए। अगर यू हैवन सी गॉन थ्रू दैट वन, कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिसे अफगानिस्तान के अंदर 17 से 18 लोग जो सूफिज्म को फॉलो करते थे अपने कमरे के अंदर जिक्र कर रहे थे, व्हेन दे फाइंड दिस इंफॉर्मेशन कि दे आर डूइंग और दे आर प्रैक्टिसिंग द सूफी आइडियोलॉजी, दे गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर रेजिडेंस और उन्होंने सबको भी हेड कर दिया कि ओके आइदर यू एक्सेप्ट अवर आइडियोलॉजी आइदर वी विल गिव यू। अभी 6 या 7 दिन पहले मैं तेजी सुरेश साहब के साथ बैठा हुआ था, शोन टाइम्स नेशन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था कि एक शख्स अपने घर में कव्वाली सुन रहा था, एंड ही वाज अ रेनोन पर्सन, ही वाज एसोसिएटेड विद एनी प्रेस और विद एनी मीडिया, अपने घर में कव्वाली सुन रहे थे। तो जो लोग बाहर से जा रहे थे उन्होंने जब सुना कि वो कव्वाली वो सुन रहे हैं तो उन्होंने उनका घर लॉक किया, उनको निकाला। उन्होंने कहा भाई आप कव्वाली सुन रहे हैं, वी विल नॉट अलाउ यू। उन्होंने कहा हम अपने घर में कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में रहना तो यू डोंट हैव टू डू दिस वन। तो वो आइडियोलॉजी जिसको जियाउल हक एक इख्तदार को हासिल करने के लिए जाए थे, आज पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन चुकी है। हमें जरूरत है कि वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, बात इंसानियत की है, और इंसानियत को बचाना हर सही आदमी का फर्ज है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग शाना बशाना कदम मिला के आगे बढ़े और पूरी इंसानियत को सेव करें, और ऐसा कोई भी वायरस जो इंसानियत के लिए खतरा बन चुकी हो उसको खराब में रोका जाए। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ सत्र चाहता हूँ।